द फ्यूचर ऑफ हिंदी रीमेक्स इन बॉलीवुड। अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्ला वैकंठा पुरामलो 26 जनवरी 2022 को आने वाली है। इसी फिल्म का हिंदी वर्जन भी फिलहाल बन रहा है। कार्तिक आर्यन है उसमें, कृति सनन है, वही दो और पायोटल करेक्टर है, महेशा कोराला है और एक्टर में परेश रावल है। अब आप समझ ही चुके होंगे जिन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म देखी है वो कि परेश रावल और महेशा कोराला का क्या रोल होगा। परेश रावल ने इंडिया टुडे में हाल में बात करते हुए काफी कुछ कहा कि वो शॉक हो चुके हैं कि अल्लू वैकंठा पुरामलो हिंदी वर्जन में रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे काफी कुछ उन्होंने बात की है जो मुझे बताना भी बेहद जरूरी है। कई सारे पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया है। एक चीज उन्होंने साफ साफ कही कि आज के समय में अल्लू अर्जुन की जो पॉपुलैरिटी है वो देख के मैं खुद दंग रह गया हूं। पुष्पा लगभग 100 करोड़ कमाती हुई नजर आ रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी किसी भी हिंदी एक्टर से कम नहीं है आज के टाइम में, और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि अगर हिंदी डब फिल्में साउथ फिल्में जो हिंदी डब हो रही है ये अगर ऐसे ही चलने लगी तो इससे बॉलीवुड को बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि कार्तिक आर्यन की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है तो अल्लू वैकंठा पुरामलो जिस पर बेस है शहजादा जिसमें काम कर रहे दोनों, ठीक है, यानी कि परेश रावल भी काम कर रहे, तो वो कह रहे कि कार्तिक आर्यन पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म चल जाएगी। अल्लू वैकंठा पुरामलो रीमेक होने के बावजूद कुछ अलग तरह से फिल्म बनाई गई है हिंदी ऑडियंस को देखकर, ऐसा कहना परेश रावल का। लेकिन परेश रावल की बातों से एक डर, एक खौफ साफ झलक रहा है। उनका कहना साफ यही है साउथ की फिल्में हिंदी डब वर्जन में अगर चल रही है तो ये बॉलीवुड के लिए खतरे की घंटी है। ये सबसे बड़ी बात कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जब लोगों को एक क्लिक ऑफ ए बटन यानी कि एक सेकेंड में कोई फिल्म मिल जाती है ऑनलाइन इंटरनेट पे और वो फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी मिल जाता है तो कोई उसका हिंदी में क्यों देखना चाहेगा, जैसे शहजादा ही अल्लू वैकंठा पुरामलो का हिंदी रीमेक है। मैं जब खुद साउथ देखा हूं, मैंने हिंदी डब वर्जन में अल्लू वैकंठा पुरामलो देख ली है, तो मैं क्यों वही स्टोरी को वापस रिपीट देखने जाऊंगा नई हीरो के साथ, बॉलीवुड हीरो के साथ। इतना पैसा तो मेरी जेब में है नहीं एक्स्ट्रा। तो ये जो कहा है इस पर कहा कि रीमेक को लेकर बहुत ही कॉशन देना पड़ेगा, बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, यानी कि सोच समझ के कोई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैरियर, बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। तो ये भी बात कही है, यानी कहीं ना कहीं परेश रावल का जो कहने का मतलब है मैं ये समझा कि जो बॉलीवुड के डायरेक्टर है उन्हें रीमेक कम करना पड़ेगा, उन्हें ओरिजिनल फिल्में ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि रीमेक अगर वो कर रहे तो ये सोच के करे कि उनकी फिल्मों को कहीं ओरिजिनल फिल्मों से खतरा ना हो जाए। जैसे अल्लू वैकंठा पुरामलो आज ये भले ही कह रहे कि शहजादा को खतरा नहीं, लेकिन शहजादा को खतरा तो है ही है ना भाई। भाई मेरे पास ऑप्शन है दो चीज देखने का, अगर मैंने बेस्ट ऑलरेडी देख ली है तो मैं वर्स्ट क्यों देखूंगा, या फिर उससे मैं मेन चीज देखूंगा ना उसका बॉय प्रोडक्ट क्यों देखूंगा, मैं ओरिजिनल कॉपी रखूंगा, जेरॉक्स कॉपी क्यों रखूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीजों पे बात की है, यानी कि सीधे शब्दों में जो शायद कह नहीं पाए परेश रावल, मैं यही बताना चाहता हूं, उनका यही कहना इंडिकेशन कि साउथ फिल्मों की रीमेक बंद करो, साउथ वाले हिंदी वर्जन में हमारी बॉलीवुड खटिया खड़ी कर दे, अब अभी भी वक्त है, जाग जाओ वरना फटने वाली है, लगने वाली है। तो आपकी क्या राय इस बारे में, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के टाइम का और इस पर बहुत सारी बातें हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड की जो रीमेक की आदत है वो 3, 4, 5, 10 गुना नहीं, कम से कम 50-60 गुना बढ़ चुकी है, और जिस वजह से बॉलीवुड खुद अपने कब्र खोद रहा है ऐसा लग रहा है सिचुएशंस के हिसाब से। मैं किसी का हेटर नहीं हूं, नीदर बॉलीवुड नीदर किसी का, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ऑफ कोर्स किसी के सक्सेस से किसी को तो दुख होगा ना। तो सीधी बात है, पुष्पा के सक्सेस से भले ही साउथ इंडस्ट्री के फैंस को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो ट्रेड वाले हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनकी फटी पड़ी है, क्योंकि साउथ के एक्टर्स अगर बॉलीवुड हीरो जैसे पॉपुलर हो गए हैं या पॉपुलैरिटी हो रही है तो बॉलीवुड के एक्टर के हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सवाल तो ये उठ रहा है ना, उनकी पॉपुलैरिटी कहां, उनकी फिल्मों का वो मैडनेस कहां। बॉलीवुड रॉन्ग हुआ है, गलत गया है, मानता हूं मैं, बट ये वो वक्त है जहां पर
आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज बॉलीवुड डूब जाएगा।